हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज महाशिवरात्रि है, तो आप लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि। तो मैं अभी किचन में हूँ। हम लोग मैं बना रही हूँ इधर बड़े वाले चना का सब्जी। और मेरी सारी बड़ी गुतनी लोग आई हुई है, एक ही दीदी आई हुई है। और मेरी जेठ सास लोग आने वाली है, क्योंकि आज ससुर जी का बरसी है। तो फिर हम लोग उधर बारी साइड जाएंगे और फूलमाला चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे उनका आत्मा का शांति के लिए। तो फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो मैं दिखाती हूँ हम लोग क्या क्या बना रहे हैं अभी सुबह में। ये है मेरी बड़ी गोतनी जो इडली बना रही है। जय धर्म में सुबह जी। ए दीदी, जय धर्म। इधर दीदी मस्त मस्त इडली बना रही है, देख सकते हैं। हम लोग नाश्ता वास्ता बना लेते हैं, फिर जाएंगे बारी साइड, क्योंकि आज ससुर जी का बरसी है। तो फिर हम लोग उधर जाना है। और मैं इधर गैस में सब्जी बना रही हूँ, दीदी नाश्ता बना रही है। देखिए मैं ये चना उबाल ली हूँ, इसके बाद इधर मसाला फ्राई हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं अभी हम लोग आ गए हैं बारी। यहीं पर बाबा का ये है, वहीं हम लोग पूजा वूजा करने के लिए आए हैं। इधर देखिए, ये आसमानी कलर का साड़ी पहनी है वो अयांशी की छोटी फुआ है। और उधर मेरी बड़ी गोतनी है। अभी हम लोग आए हैं। अयांशी की बड़ी बुआ रेडी नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग सोचे जाते हैं, उसके बाद उसका वेट नहीं किए, आएगी उसके बाद ही हम लोग ये करेंगे, पूजा करेंगे। बच्चे लोग आए थे मेरे बड़े भाई सुर के साथ और देवर लोग के साथ, उसके बाद वो लोग पूजा वूजा करके चले गए, क्योंकि अभी 11 बजने वाला है। तो फिर बच्चे लोग भूख कुछ खाना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग जल्दी आके चले गए घर। अभी हम लोग आए हैं चारों कोई, उधर से दीदी भी आ रही है। ये अयांशी की बड़ी बुआ है। हाँ, अकेले आ रही है, आ रही है। इसको इनको हम लोग छोड़ के आ गए थे, तो दौड़ते दौड़ते आई है दीदी, बाल बाल पूरा खोल खाल के। जला दिए हम करते हैं करी।
तो फ्रेंड्स हम लोग का पूजा वूजा हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे गांव का शिव मंदिर, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो फिर हम लोग पूजा करने वहां भी जाएंगे। तो फिर बने रहिए हमारे ब्लॉग पे, आज आप लोग को दिखाएंगे हम लोग का गांव का मंदिर कैसा है। मंदिर जगह बड़ा सा डैम है, बहुत सुंदर सा। तो फ्रेंड्स हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यही है शिव मंदिर, हम लोग यहीं आए हैं। और इधर शायद प्रसाद बन रहा है। ये है नारीकेला का डैम, बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए इधर है मंदिर और इधर है दीदी लोग। हम लोग जा रहे हैं पानी लाने के लिए। कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। हम लोग इसमें तैरते थे ना दीदी। हाँ हम लोग पार होते थे यहाँ से, यहाँ पार हो जाते थे। देखिए ये नया सीखा हुआ है ये बोल रहे हैं। जब दीदी का शादी नहीं हुआ था तो दीदी लोग यहीं आते थे नहाने के लिए, और ये और से उस और पार हो जाते थे ना। तो देखो मछली सब, देखिए पूरा फस पूरा। हाँ ये फिश मर चुका है, ये छोटा फिश। तैरने से तब ही नहीं आता पता है, यहाँ पर भी हम तो चल जा सकते हैं। सही में आप जानते हैं दीदी? हाँ हमको आता है। आता है? हाँ तो हम ही भकलोल हैं, हमको कुछ नहीं आता है। ये डैम बहुत गड्ढा है ना। हाँ, बहुत गड्ढा है ये डैम। हाँ हाँ देखिए बहुत सारा लोग, गोट बकरी। हाँ बहुत सारा अच्छा लग रहा है, बस ठंडा ठंडा। वहीं पर ही कर देंगे, अच्छा वहीं पर झिड़क उड़क देंगे। पानी